हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं उन सभी के सभी हॉलीवुड फिल्मों की। सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल कर आएगा फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ का। और बात करें इस फिल्म के इंडिया के कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने हमारे इंडिया में अब तक कमाए हैं 75.80 करोड़ और इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड कमाए हैं 740 मिलियन, जो की स्पिन ऑफ के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यानी डेफिनेटली हमें फास्ट एंड फ्यूरियस के स्पिन ऑफ में हॉब्स एंड शॉ फिल्म के और भी पार्ट्स देखने मिलेंगे, जिसे अब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब बात करें फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड की, तो इस फिल्म की इंडिया की कमाई है 5.35 करोड़ की। और वही बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ये कमाई है 329 मिलियन की, जो कि एक अच्छा ही अमाउंट है। और ऑब्वियसली इतने अमाउंट में ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट ही है। जबकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म को स्टार कास्ट के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर और भी अच्छी खासी कमाई करनी थी, जो कि ये फिल्म नहीं कर पाई। खैर, तो इसे छोड़कर बड़े फिल्म एंग्री बर्ड 2 पर, तो इस फिल्म की इंडिया की कमाई है 6.95 करोड़ की। और वही बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ये कमाई है 111 मिलियन की। यानी फिल्म के बजट के हिसाब से फिल्म ने उतनी भी ज्यादा अच्छी कमाई नहीं की है। यानी ये फिल्म फर्स्ट पार्ट के कमाई के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे रह गई। और उसके बाद बात करें इट चैप्टर 2 फिल्म की, तो इस फिल्म की कमाई है हमारे इंडिया की अब तक 14.15 करोड़ की। और वहीं बात करें इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ये कमाई अब तक हो गई है 323 मिलियन की। और इस फिल्म को फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में और भी अच्छी कमाई करनी है, जो कि मुझे लगता है शायद ही ये फिल्म कर पाएगी, क्योंकि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर 700 मिलियन की कमाई की थी और ये फिल्म अब तक उस आंकड़े पर नहीं पहुंची है। और उसके बाद बात करें फिल्म एंजल हैज फॉलन की, तो इस फिल्म की इंडिया के कलेक्शन रिवील नहीं किए गए हैं, इसलिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो ये कलेक्शन है 60 मिलियन के, जिस हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है। और उसके बाद बात करें फिल्म द लॉयन किंग की, तो ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट है, जिसकी कमाई 1.660 मिलियन की है। और ऐसी ही डिज्नी की एक और जबरदस्त हिट फिल्म है फिल्म अलादीन, जिस फिल्म के कलेक्शन है 1 बिलियन के। और उसके बाद बात करें फिल्म अवेंजर्स एंड गेम की, तो इस फिल्म के फाइनल कलेक्शन है 2.796 बिलियन के, यानी एक मेगा ब्लॉकबस्टर। वेल, तो ये थे उन सभी के सभी हॉलीवुड फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स कि किन फिल्मों ने कितनी अच्छी कमाई की है और किन फिल्मों ने नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इन सभी फिल्मों को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।